रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम सोए नहीं? थोड़ा सा फिल्मी करूं। मेरे सामने जो ये हकीकत है ना, वो इतनी खूबसूरत है कि अब सपनों में मेरा दिल ही नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? घर जाएंगे और सबको बताएंगे। इट्स सिंपल। ओजी, इतना सब कुछ सुनाया मुझे, मैंने लगता है कि उन्हें मेरी तरफ से ना कोई गलत फहमी हो गई है। पहले तो तुम्हें वहां पर जाना ही नहीं चाहिए, मैंने मना कर दिया था ना। तो मैंनू की पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो अपनी पलकू के बारे में सोच कर ही गई थी ना वहाँ पर, कि शायद उसे भी ऋत्विक पसंद आया था। शायद तुम्हें पता भी नहीं है पलक के मन में क्या है, फिर तुम वहाँ पर गई क्यों? तुम बहुत भोली हो मंजीत, वो लोग कभी भी पलक और ऋत्विक का रिश्ता चाहते नहीं थे, इसीलिए तुमको वहाँ पर बुलवाया, वो उगलवाया जो वो लोग चाहते थे, ताकि बाद में जब उनका बेटा बहुत शोर मचाए तो तुम्हें दोषी ठहरा करके वो लोग विरोध कर सके। मंजीत, तुम्हें पता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी के विचारों पर जी है। मैं जहाँ से आया हूँ ना, मैंने एक ही बात सीखी है, जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं वो आपको गलत ही समझेंगे, आपकी नियत पर हमेशा शक ही करेंगे। ममता, बस हो गया, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी, बस। विजय जी, हम हमेशा यही चाहते आए हैं कि रिकी को किसी से प्यार हो जाए, वो शादी करने के लिए हाँ कह दे। अब रिकी को किसी से प्यार हो गया, आप तो उस लड़की से मिले भी नहीं, उसे देखा भी नहीं, एक बार मिल तो लो। मुझे उस लड़की से नहीं मिलना, नहीं देखना उसे, मैं पलक की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और ये डिसीजन आपने किस बेसिस पे लिया है? उसकी माँ पर? मंजीत, हम अपनी बच्ची को ऐसे घर में नहीं भेज सकते हैं। यहाँ अगर कोई छोटी सी चीज भी कभी खो जाए तो सबसे पहली तलाशी उसकी ली जाए। पर अगर सब नहीं माने तो? तुम्हारी फैमिली का तो पता नहीं, पर मेरी फैमिली तो जरूर मान जाएगी। हाँ, हैं हम नून्स, बिग बिजनेस फैमिली, बट इन आवर हार्ट्स हम एक टिपिकल पंजाबी फैमिली है। हम एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है सबकी। इनफैक्ट मम्मी डैड तो चाहते थे कि मुझे किसी से प्यार हो जाए, दिल भी वेरी हैप्पी। इंसान को देखकर उसे परखने की समझ रखता हूँ मैं, इस तरह की औरत से पाला पड़ चुका है मेरा पहले भी। ममता, मैं भी रिकी को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन यह शादी करने के बाद वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, मैं इस बात को जानता हूँ, यह शादी नहीं होगी। और जहाँ तक अनन्या का सवाल है, we'll have to take care of this matter a little more sensitively. उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। So, घर पे शादी की बात करने से पहले हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। विजय जी, जो आप कर रहे हैं उससे आपका बेटा आपसे दूर चला जाएगा, आप उसे दूर कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी है, let him take his own decisions, सही या गलत जो भी है, उसे अपनी गलतियां खुद करने दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं? ये गलती मैं रिकी को नहीं करने दूंगा। मैं एक बाप, अगर मुझे ये दिख रहा है कि मेरा बेटा गलत रास्ता चूज कर रहा है, मैं उसे ये हरगिज नहीं करने दूंगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। विजय जी, बस, बोल आगे विद मी नाउ। हाँ जी हाँ, तुसे बिल्कुल सही कह रहे हो जी, हम अपने पलकू की शादी उस घर में कभी नहीं होने देंगे। मैं बताऊंगी पलकू को सारी बात, बताऊंगी कि किस तरह से उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, पर अगर फिर भी पलकू ने उस घर में शादी करने की जिद करी ना, ये फैसला बहुत ही गलत होगा। My family will realize and they'll apologize to your mom. वो माफी मांगेंगे तुम्हारी मॉम से। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलें अब। हाँ, although I don't want to, but वापस तो जाना ही पड़ेगा। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी मुझे भी है, बहुत ज्यादा। बैठो और अच्छे से। क्या है? क्या? इतना ऑयली? मैं नहीं खा रही। ऑयली कहाँ है? और वैसे भी तुमने 10 दिन से कुछ खाया नहीं, तो खाओ। वैसे 10 दिन में एक चीज अच्छी हुई है ना, आई थिंक आई हैव लॉस्ट सम वेट। क्या लगता है तुम्हें? कम से कम 3 किलो तो लूज किया होगा मैंने ना? हाँ, और तुम ये ऑयली खाना खिला रहे हो मुझे, मुझे नहीं खाना। शादी से पहले वाला लुक थिन यार, कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग। सो आई एम गोइंग टू स्टिक टू फूड्स। गर्ल्स विल बी गर्ल्स, पर मैं तो पराठे ही खाऊंगा, वो भी डबल मक्खन मार के। हाउ कम?
आजकल ट्रेडमिल पे भगाओगे तुम? I'll also stick to fruits. अरे बेटा जी पापा ले आए सेतु को वापस. भगवान जी मुझे आज आपके गुड लक की बहुत जरूरत है. फाइनली मैं मम्मा और पापा को बताने जा रही हूँ कि मुझे प्यार हो गया है. बात करो उससे. मम्मा पापा आप लोगों से बात करनी है. बैठ के बात करें प्लीज. आई नो मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आप दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड होगा, पर आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात शांति से सुन लीजिए. उसके बाद आप लोग जो डिसाइड करेंगे ना हम वही करेंगे. तुझे ऋत्विक अच्छा लगता है ना? आई नो आप लोगों को बहुत डाउट होगा जो भी कुछ हुआ है मम्मा वो सब बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी. पापा अब सेतु आ गई वो सब कुछ क्लियर कर देंगे. बोलक तेरी माँ तुझे कुछ बताना चाहती है. हाँ माँ, मंजीत आंटी से बात हुई थी मेरी प्रीनप के बारे में. उन्हें मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मुझे प्रेशराइज किया जाएगा या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है बनवा लो पेपर्स, जिसमें लिखा होगा कि पापा लैंड के पेपर्स पे साइन करेंगे, लेकिन शादी के बाद मेरा रोहित के टैक्सेस या डेथ्स उससे कोई रिलेशन नहीं होगा. अब मिस्टर पुरी तो रोहित के सामने बुरे नहीं बन सकते ना, तो वो प्रीनप अग्रीमेंट क्यों साइन करवाते. तो हमने सोचा ठीक है वो साइन तो नहीं करवाएंगे और लैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लेकिन मैं संगीत के लिए वापस आ ही रही थी कि कबीर ने मुझे उठा लिया. मैं रोहित के घर गई थी उसे ढूंढने के लिए और मैं वहां से निकल ही रही थी कि रोहित के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया. रोहित की लैंडलाइन से फोन. हेलो. हाँ सेतु, मैं रोहित, मैं घर पे ही हूँ, तुम ऊपर आ जाओ डैड के रूम में. पर तुम्हारे सर्वर ने अभी कहा कि तुम घर पे नहीं हो यार. सेतु तुम ऊपर तो आओ. क्या हो रहा है, रोहित की आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही थी? रोहित हेलो डार्लिंग. कहाँ जा? कभी लीव मी प्लीज, लीव मी. उसके बाद जो भी हुआ कबीर ने मुझे खुद बताया. उसने कहा मुझे कैसे कोई ढूंढ पाएगा, शक तो मिस्टर पुरी पर जाएगा क्योंकि मैं उनके घर से गायब हुई थी. कबीर ने सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी थी. पर बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तूने वो लैंड वाली बात क्यों छेड़ी? पापा कबीर हम पर लगातार नजर रख रहा था. उसे पता था कि किसी लैंड की प्रॉब्लम की वजह से हमारी फैमिलीज के बीच में टेंशन है. वो चाहता था कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और मेरा रिश्ता टूटे. वो वीडियो सब उसने बनवाई थी मुझसे. रोहित को सब पता है. बेटा जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें पता है यहाँ पर वो प्रीनप एग्रीमेंट की वजह से कितना हंगामा हुआ था. मुझे मंजीत आंटी का स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा अनाउंस के सामने. पलक के पलक के लिए कुछ नहीं पापा, मैं आती हूँ. बहुत बिजी था तो? नहीं डैड, वो सेतु का मैटर सॉर्ट कर रहा था और वो पूरी अंकल से भी माफी मांग लूंगा मैं. किस बात के लिए बेटा? उस पर सेतु की किडनैपिंग का इल्जाम लगाने के लिए या फिर पूरी दिल्ली के सामने किसी और लड़की को आई लव यू कहकर अनन्या की बेइज्जती करने के लिए? आई नो डैड, आई हैव स्क्रूड अप दिस टाइम. यस यू डिड डैड. व्हाट कैन आई डू? मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक तो नहीं, बट व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर? यस यू डिड लेट मी डाउन एंड यू हर्ट मी. अब तू ही बता पुत्र, इसमें मेरी गलती कहां थी? वो लोग ऋत्विक को घर से बाहर निकालने की बात कर रहे थे तो मैं कहती ठीक है, मैंने कहा नहीं तो गलत है. ए, कितनी बार बोलूं भाई, वो तुमसे बुलवाया गया था तभी तो तुम्हें बुलाया उन लोगों ने अपने घर पे, वो भी अकेली. अब पलक भी तो मानी थी. अरे वो लोग ये रिश्ता नहीं चाहते हैं. डैड आप बोलिए ना, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूंगा. आई एम कंसीडरेड डन. आई जस्ट डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू प्लीज.
तुम्हें पलक को भुलाना होगा। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुम पलक से मिलो या उससे बात करो। डैड, I don't understand. मैंने जो कहा वो तूने सुना नहीं या तुम्हें समझ में नहीं आया? I know आप अनन्या को लेकर बहुत upset हो। She's been like your daughter, but just give me मुझे थोड़ा सा time दो, मैं सब sort कर दूँगा। I will take care of अनन्या, मेरी भी दोस्त है वो, मैं उसको इसे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अनन्या की टेंशन तू नहीं ले, वो संभल जाएगी। बात कुछ और है। क्या क्या बात है डैड? डैड अगर मंजीत आंटी के बारे में सोच रहे हो तो सेतु ने सब कुछ क्लियर कर दिया ना। शी इज क्लियर द मैटर कि मंजीत आंटी ने वो सब जो कुछ भी किया था क्यों किया था। वी ऑल नो द ट्रूथ, वी ऑल नो व्हाई दैट हैपेंड। देखिए, तेरे यहाँ से जाने के बाद और भी कुछ हुआ है? डैड, जो कुछ भी हुआ हो यहाँ पर, आई हैव थॉट इट ओवर। कि मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है पलक को लेके। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। नो, आई डोंट थिंक यू हैव गिवन इट एनी थॉट एट ऑल। क्या तुझे पता है कि तेरे जाने के बाद पलक ने अपनी माँ को यहाँ भेजा था ये पता लगाने के लिए कि हमारी जायदाद में तेरा कितना हिस्सा है? पलक ने भेजा? हाँ। ऋत्विक, हमने मंजीत जी को यहाँ बुलवाया, हम तुम्हारे और पलक के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अगर मैंने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल किया तो तेरा हिस्सा क्या होगा, वो मुझे ये समझाने लगी। डोंट यू अंडरस्टैंड, उनके लिए तू सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, एक लॉटरी का टिकट। पुत्र, अच्छा है कि ये सब हमें अभी पता चल गया, आगे जाके क्या क्या हो सकता था सोच इसके बारे में। सोच बेटा, बचपन में तेरी माँ ने क्या क्या किया था हमारे साथ। सब वापस मत होने दे बेटा। मैं पलक से बात करता हूँ। और मैं जो कह रहा हूँ वो डैड, मैं पलक को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसकी मॉम को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। पलक की मॉम है थोड़ी सी इस टाइप की, पलक नहीं। मैंने सबके सामने पूछा था उनसे कि क्या पलक को इसके बारे में पता है, क्या पलक जानती है, और उन्होंने कहा था हाँ। मैं तुझे कह रहा हूँ और फिर भी तुझे उससे पूछने की जरूरत है? मुझ पर भरोसा नहीं तुझे? सॉरी पुत्र, मुझसे गलती हो गई, मैंने सब खराब कर दिया। नहीं मंजीत, इसमें तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक मिनट में आती हूँ। ऋतिक से बात करने जा रही है जी। पापा देख, पलक, मेरी या तेरी माँ की इसमें हार नहीं है, पर हम तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। तूने आज तक हमारा सिर नहीं झुकाया है, लेकिन तेरी माँ और मेरे साथ जो हुआ उसके बाद तुझे लगता है कि तुझे कदम उठाना चाहिए, ऋत्विक से बात करनी चाहिए? पापा, मैं सिर्फ बात क्लियर करना चाहती हूँ। मम्मा ने सिर्फ अपनी इनोसेंस में ये सब किया है, ऋत्विक के लिए लड़ा है उन्होंने। अरे भाई, लेकिन वो लोग तो ये बात नहीं मानते हैं ना। यहाँ पर तुझे फोन करके पहल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत है तो ऋत्विक का परिवार गलत है। और एक बात बता, वो तेरे बारे में क्या सोचेगा, कैसी लड़की है तू? पेरेंट्स की इतनी इंसल्ट हुई और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? मेरी यही सलाह है पुत्र, कि अभी तू रुक, वेट कर, देख कि ऐसे में ऋत्विक क्या करता है। वो तुझसे बात क्लियर करने आता है या अपने पापा की बात को सही मान लेता है? देख बेटा, ये तेरे प्यार का टेस्ट है, समझी तू? अब देखना ये है कि वो क्या करता है, वो तुझे फोन करता है या नहीं करता है, वो फोन करके तुझसे सवाल करता है या इस सब को ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी सब से पता चलेगा कि वो बंदा तेरे लायक है या नहीं। देख बेटा, हमें तो जवाब मिल गया, तुझे भी मिल जाए। बधाइया जी, बहुत बहुत बधाइया। रोहित और सेतु की फिर से शादी की खुशी में एक एक हो जाए। हाँ जी, हाँ जी पुरी साहब, क्यों नहीं। लेकिन आपसे एक दिल की बात कहता हूँ, आपको कहीं भी कभी भी ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो? बुरा तो लगा था वर्मा साहब, बुरा तो लगा था, लेकिन मैं कौन सा सही था? मैं भी तो गलत था। कौन सा? अगर आपने लैंड का इशू नहीं बनाया होता ना, तो मंजीत आंटी सेतु के फेवर में ये सब नहीं करती। आई होप शादी के बाद ये लैंड का इशू ना आए। टेंशन मत लो आंटी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। लो जी,
वैसे हमने तो रोहित का प्यार देख के ही सेतु के लिए हाँ की थी, वरना आप लोग तो वैसे अगर ये दोनों चाहें तो अलग भी रह सकते। नहीं आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट है, क्या करते जी, लेट्स टोस्ट टू द कपल। हाँ जी, चीयर्स करें। उठाओ लो जी, चीयर्स जी। अंकल, आपको शादी जिस तरह से करवानी है आप करवा सकते हैं, पर मेरी एक कंडीशन। पुरी साहब, अब इसकी क्या कंडीशन है? ओए रख दे भाई, जो बात है पहले सारी क्लियर कर दे, खुली कर दे, बोल दे, चल क्या है। मैं नहीं चाहता हमारी शादी में पलक आए। सेतु, आई लव माय सिस्टर, और जो ऋत्विक और पलक ने मेरी बहन के साथ किया ना, उसके बाद आई डोंट वांट पलक और उसकी फैमिली हमारी शादी में। बस आई एम सॉरी, पर यही मेरी कंडीशन। Really, Aman, stop it. अरे तुम्हें गलत क्या बोल रहा हूँ रीवा, ऋत्विक पलक से प्यार करता है। अमन यार, अब तू शुरू मत हो जा प्लीज। अरे भाई आप क्या बोल रहे हो, आप देख नहीं सकते कि वो कितनी तकलीफ में है। क्या हो रहा है गाइस, बोलो क्या? Really? आपको नहीं पता क्या चल रहा? ढंग से भी बात कर सकते हैं रीवा? ढंग से क्या बात करूँ आपसे यार, पाने कितना कुछ नहीं किया आपके लिए, हमारे लिए इतना नहीं किया जितना आपके लिए किया उन्होंने। आपने क्या किया? सिर्फ हर्ट किया उनको और कुछ नहीं। इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, या अगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब अपनी मतलब का सोच रहे हैं यहाँ। दादी, exactly, you're right. मैं भी इन लोगों को यही बताने की कोशिश करूँ। Just shut up. Family matter है ना, please interfere मत कर भी। Okay, you Reva. Aman is as much family as you and me are. You understand that? भाई, it's okay. Reva, I'm sorry. Aman, कहीं नहीं जा रहा तू। और सुन, जो आदमी तेरे हिसाब से ना चले वो पराया है, करेक्ट? Fine. जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो फिर। रीवा शांत हो जा। आपको पता है दादी क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ना किसी को पता नहीं है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करें। ऋषभ भाई ऐसा कभी ना करते। ऋषभ भाई ने ना कभी भी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं किया, पर आई एम सॉरी टू से आप सिर्फ इस फैमिली को हर्ट किया। रीवा प्यार में इंसान कितना यूजलेस हो जाता है ना, आपको देखकर ही लगता है। सो मैं जूलियस सीजर लग रहा हूँ, स्कूल प्ले के लिए कॉस्ट्यूम है। प्लीज पक्का मत। और चुपचाप पलक दी को फोन करो, समझे? पर वैसे ना इतना माचो बने रहते हो, लेकिन जैसे ही फैमिली की बात आती है एकदम भोंदूराम बन जाते हो आप। लुक मत दो, काम करो, चलो। कहाँ? कश्मीर। अरे पलक दी के घर पे और कहाँ? चलो। ऐसे ये मम्मी की साड़ी में देखो, देख के ही रिजेक्ट हो जाऊंगा मैं। Is this funny? हाँ? शादी आपकी है मेरी नहीं, समझे? चलो get up. अच्छा चल। हाँ गुड। पलक का फोन है। और तुझे अब भी ये लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूं? पलक ने तुझे इसलिए फोन नहीं किया है क्योंकि वो अपनी मां की बात से सहमत है। प्यार करते हैं मुझसे, अपनी मां की तरह नहीं है। उड़ा जो बोल रहा ना, वैसे वैसे के पीछे शी इज नॉट लाइक। अगर पलक सचमुच तुझसे प्यार करती तो वो ये जानती कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, उसे इस बात की कदर होती। अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी रिस्पेक्ट होती तो वो अपनी माँ की हरकत के लिए माफी मांगती मुझसे, कहती कि वो मेरी माँ का मतलब नहीं था, बोलती कि वो मेरी माँ की सोच है मेरी सोच नहीं, कुछ तो एक्सप्लेनेशन देती। ठीक है, थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं कि कॉल करती है या नहीं। ऋत्विक ने फोन क्यों नहीं किया मुझे अभी तक? अब तक बैग नहीं लगा, यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया, नाश्ता शुरू नहीं हुआ, हो गया, हो कब जाने स्कूल, कल सुबह। चल ममता। हाँ जी। उस लड़की पलक का फोन आया था क्या? नहीं बेबी, पता नहीं क्यों
आओ बेटा। शिवू मेरे ऑरेंज जूस देना प्लीज। तुम खुद नहीं ले सकती हो? बॉम्बू क्या है ना, हम स्कूल प्ले के रिहर्सल्स कर रहे हैं। सो आई एम द क्वीन एंड ही इज माय सर्वेंट। शिवू ऑरेंज जूस लाना। तुमने तो कहा जूलियस सीजर में तो मेन रोल कर रहे हो। या आई वाज सपोज्ड टू डू द मेन रोल, लेकिन टीचर ने अपने किसी फेवरेट स्टूडेंट को रोल दे दिया। ऑफ कोर्स, जब घर के बड़े झूठ बोलेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे। ईट। डैड आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे कुछ नहीं समझना है। पलक का फोन आया? नहीं आया ना। आई हैव नथिंग टू से टू यू। डैड आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। शादी करना चाहता हूँ मैं उससे, और हम उसको इस तरह से टेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग आउट ऑफ दिस। रिकी कब समझेगा तू? पलक ने अपनी माँ को पट्टी पढ़ाकर यहाँ भेजा था, इसीलिए वो तुझसे मुंह छुपाती फिर रही है। और तू उस कल की लड़की के लिए अपने बाप को गलत साबित करना चाहता है। ऋषभ चलो ऑफिस चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। नाश्ता खत्म करके जाएंगे, मुझे भूख नहीं है। ऋषभ जी अपने बेटे से ढंग से एक बार बात तो कर लो। I have nothing to say to you. ऋतिक नाश्ता कर लो। ममता तुम मेरे नाल चल, मुझे तुझसे कुछ गल करनी है। हाँ जी बेबी। ममता मेरे दिमाग में कोई बात है, वो करते हैं। मैं तो ये बाप बेटे छोटी सी बात का बड़ा बतंगर बनाते रहेंगे। ऋतिक ने कॉल क्यों नहीं किया मुझे? पलक, पलक। हाँ कैसे है? What do you think? थोड़ी लाउड नहीं है? शादी है ना। एनीवे तूने डिसाइड कर लिया कि तू क्या पहनने वाली है शादी में? सब कुछ डिसाइडेड है, बस थोड़ा सा ब्लाउज का है काम, वो मैं कर लूंगी आज। एक्साइटेड? ऑफ कोर्स आई एम। अच्छा सुन, हम जो साड़ी सिलेक्ट किए मैं उनके लिए ज्वेलरी देख के आती हूँ। ओके। बेटा तुझे पता है ना, रोहित ने क्लियरली मेंशन किया था कि पलक की शादी में नहीं आ सकती। मॉम रोहित से मैं बात करूंगी, ही इज बीइंग कंप्लीटली अनरीजनेबल। पलक की शादी में आएगी। नानी हाय। हाय पलक को फोन कर। हाँ यार मुझे पता है तेरे घर पे क्या चल रहा है रिकी, अमन ने मुझे सब बता दिया। यार ये अमन भी ना। एक सेकंड, उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसे फोन किया था। मुझे ये जानना था कि तेरी और पलक की शादी कब हो रही है। यार तेरी शादी है, तेरी शादी में मैं डांस ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है? आई थिंक हम बेस्ट फ्रेंड्स ही ठीक है यार, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स पर रहेगा क्या? अरे दोस्ती कैसे निभाते हैं, कुछ उससे सीखा। चल अभी फोन कर यार उसे, पलक वेट कर रही होगी तेरी। फोन करना यार, मैं डैड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। रिकी यू आर सो इम्पॉसिबल यार। नो अच्छा होता है मेरी शादी नहीं हुई। यार सच बता तो मुझे पता है तू विजय अंकल से कितना प्यार करता है, तो उतना प्यार तो पलक से भी करता है ना शायद। रिकी कॉल हो, कॉल कर ऋतिक को, कॉल कर। नीतू ये मेरा ईगो नहीं है, पर पापा सही कह रहे हैं, ऋतिक को अपनी फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, पहल उसी को करनी चाहिए। I can't let you go. इतनी मुश्किल से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। I hope अब वो पीछे ना हट जाए यार। Come on, ऐसा कुछ नहीं होगा। पलक चली ना गई हो? नहीं निकली, हमारे श्याम सुंदर ड्राइवर है ना, उसकी खबर कभी गलत नहीं होती है। I'm sure यहीं कहीं होंगी, देखेंगे। नमस्ते। आ सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी। जा। पलक विजय ने ऋत्विक को बहुत बड़े कश्मकश में डाल दिया है। यहाँ तुम अपनी डिलेमास में हो, ऋत्विक ने तुम्हारे लिए सबके सामने एक स्टैंड लिया है,
देखो पलक, जब मेरी विजय से शादी हुई थी ना, विजय इमोशनली बहुत वीक थे। बहुत जल्दी मैंने रियलाइज किया कि पहल तो मुझे ही को लेनी पड़ी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने स्वाभिमान को अलग रख कर छुप कर इससे डील करो, नहीं। और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि औरतें आदमियों का रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, नो। पर बेटा, ऋत्विक कॉम्प्लिकेटेड है। सी, ऋत्विक का एक पास्ट है, उसके साथ चीज़ों को उसी तरह से नहीं डील कर सकते हैं। और जहाँ तक उसके पापा का सवाल है ना, वो कभी अपने पापा को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता। वो जानता है कि खूना किसे कहते हैं। पहल तुम ही को करनी पड़ेगी। मुझे उससे पहले बात करनी होगी। मैं उसका दर्द समझती हूँ। मुझे उससे पहले बात करनी होगी। Busy. एक बार टाइप करना। The number you are trying to call is currently busy. ऋतिक का नंबर बिजी है। बिजी आ रहा है पापा, कर रहा हूँ। हेलो, मैं भी तुम्हें ही कॉल कर रही थी। मुझे तुमसे मिलना है। I'm sorry कि मैं तुम्हें पहले फोन नहीं कर पाया। I know, मैं भी तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। I'm sure तुम्हारे पास भी रीजन होगा। मिलके बात करें। मिलके बात करते हैं। कल है हल्दी, फिर संगीत और साथ ही शादी। तो आना जरूर यार। मैं तो चाहता था कि रिक्की और अन्या भी शादी करें, लेकिन वो होगी। रिशु, इदे विच मैंने तेरी लोड पैनी है पूरी। इसमें ऋषभ मेरी मदद करेगा। ऋत्विक बौखला गया है, पागल हो गया है, लेकिन तू टेंशन नहीं ले, सब ठीक हो जाएगा। देख ऋषु, कुछ हो सकता है तो बेटा। हाँ अंकल, ऑफ कोर्स। चलो। सो दैट्स इट। मम्मा बस यही कह रही थी कि अगर हमारी शादी की वजह से ऋत्विक को प्रॉपर्टी और घर से निकाल देंगे तो वो गलत है, बेसलेस है। और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो तुम्हारे हक की बात कर रही थी ना, तुम्हारे लिए लड़ रही थी। आई नो। Actually, you know what? गलती मेरी है। मैं ही जाके तुम्हारी मॉम के बारे में ऐसा सब बोलता रहता था। गोल्ड डिगर, ये वो। आई मीन यार, वो बातें ही ऐसी करती थी यार। आई नो शी इज नॉट लाइक दैट। और अब मैं ही डैड को जाके बोल रहा हूँ कि नहीं, आंटी ऐसी नहीं है, शी डजंट मीन दिस। तो उन्हें तो ये लग रहा है ना कि मैं प्यार में पागल हो गया हूँ। मैं नहीं, मतलब मैं हो गया हूँ प्यार में पागल, मतलब You know what I mean, right? मतलब कि वो पागल हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। दोनों अलग बात है ना। टेलर शो हनीमून के लिए ना एम्स्टरडैम चलेंगे। ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा तुम्हें मैं वहां पर बाइक को। कोई नहीं तंग करने वाला हमें। सो सीरियस बात करें? या मैं सोच रही थी आई कैन मीट योर फादर। If you want, I can apologize. तुम मिलोगी उनसे? Yes, of course. I love you, Ritvik. I'm committed to you. तुम्हें नहीं खो सकती। I promise you, Palak. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी self-respect के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। And by the way, I love you more. चलें कि मतलब लंच भी यहीं करना है? एक्चुअली मैं मास्टर जी का वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ मेजरमेंट्स देने हैं। सेतु की शादी के लिए मुझे सॉरी पलक जी, मेरी बेटी को कुत्ते ने काट लिया था। आप बच गए? अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, आ जाइए आप। मैं मेजरमेंट्स लेके आती हूँ। मास्टर जी ये डिजाइन रखे हैं मैंने,
ये वाला चाहिए और कल सुबह तक चाहिए प्लीज। हो जाएगा सुबह तक, मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ। बहुत अच्छा डिजाइन चूज किया है आपने, बहुत सूट करेगा आपके ऊपर। थैंक यू मास्टर जी। मैं कर लेता, ऐसे कैसे हाथ लगा सकता है वो तुम्हें? ऐसे लेते मेजरमेंट्स। कोई फीमेल टेलर नहीं है तुम्हारे पास? इंडिया में 99% टेलर्स मेल ही होते हैं, फीमेल्स बहुत कम। छह ब्लाउज स्टिच करते हैं। 41। हाँ तो तुम झल्ले ब्लाउजेस पहनो, लेकिन गेट अ फीमेल टेलर। अगर तुम्हें कोई फीमेल टेलर नहीं मिलती है तो मैं बन जाऊंगा तुम्हारा टेलर। रियली? क्या है ना, मैं टीनेज गर्ल नहीं हूँ तो ऐसी बातों से इम्प्रेस नहीं होंगी। उस दिन रात को तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी तुम। महिन तुम करो ना मिठाई वाले को फोन, हर चीज मुझे पे छोड़ देते हो। सवेरे से शॉपिंग कर रही हूँ, थक गई हूँ यार। अरे छोड़ो यार गायत्री, औरतें कभी थकी हैं शॉपिंग से? क्यों सर? सर इस बार शादी कैंसिल तो नहीं होगी ना? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ जाओ वहां रखो कुछ भी। अरे शांत रहो यार। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। गुड। ये शगुन है सेतु के लिए, हल्दी हम कल भिजवाएंगे। आइए ना। आइए आइए प्लीज आइए। जरा बाहर जाना। क्यों? बाहर जाओ पता चल जाएगा। जाओ ना मैं संभाल लूँ। जाओ। क्या करता, मुझे तुमसे मिलना था और मॉम ने कहा बाहर खड़े रहो, शादी से पहले नहीं मिल सकते। तो तुम ये चुन्नी ओढ़ के आ गया, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये लंबी चौड़ी औरत कौन है? हाँ मेरे प्यार में ना दिमाग ही नहीं चल रहा मैं। अब उतारो इस सबको, नहीं तो मेरे पेरेंट्स सोचेंगे कि तुम कुछ और भी हो। एंड दे कैन हैंडल एनी मोर शॉक्स। हां वैसे थैंक्स टू अनन्या, उसने कहा कि वो तुम्हें बाहर भेज देगी। मैं तो ऐसे ही आने वाला था वरना। पागल तुम क्या कर रही थी? मैं पलक से बात कर रही थी, उसे थैंक यू बोल रही थी, उसने जो कुछ भी किया हमारे लिए। लिसन यार रोहित, ऋत्विक ने जो भी किया अनन्या के साथ वो सही नहीं किया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यार ऋत्विक और पलक ने हमारे लिए जो किया दैट्स इनकंपेरेबल। नो मोर डिस्कशन। पलक नहीं आ सकती हमारी शादी में। पलक आएगी? नहीं। ठीक है तो फिर ऋत्विक भी नहीं आएगा। ओके इट्स नॉट फेयर ना कि ऋत्विक आए और पलक ना आए। ऋत्विक ने आई लव यू कहा था ना उसे सबके सामने। ठीक है पलक आ सकती है, अपनी फैमिली को मैं मना लूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डैड वो पलक का फोन आया था, मेरी बात हुई थी पलक से, उसने फोन किया था। सच बोल रहा हूँ, सिर्फ तुझे बता रही हूँ, कल मैं ऋतिक के पापा से मिलने जा रही हूँ। दैट्स गुड पलक, बट आई होप यार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं ऋतिक को खो नहीं सकती यार, अब सब कुछ है मेरा। डैड वो आपसे मिलना चाहती है। और वो वही कहेगी जो तुझे चाहिए? नहीं भाई, वो एक्चुअली डैड को बताना चाहती है कि व्हाटएवर हर मदर सेड उसका एक्चुअल मतलब क्या था, व्हाट डिड दे मीन बाय जो भी आंटी ने कहा था। आप कभी मिले भी नहीं है उससे, आप ऐसे ही जज कर रहे हैं, मिल तो लो। मैं पलक से मिलने को तैयार हूँ। This is unbelievable. क्या हुआ? भाई, please. Dad, look. अब पहले मुझे ये कहते हो कि आपको अनन्या और रिक्की की शादी करवानी है, और अब आप मान गए हो कि आपको पलक से मिलना है। Actually, मेरी बात हुई अनन्या से। In fact, वो रिक्की और पलक की शादी से काफी खुश है। In fact, वो रिक्की के लिए बहुत खुश है। Really? और वो तुम्हारी इतनी क्लोज कब हो गई? और तुम्हें कितनी बारी बोला अमन, हमारे फैमिली मैटर्स है, क्यों पढ़ रहे हो बीच में? रीवा, अमन की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। दादी एक सेकंड, रीवा यार
What is this? I mean, तुम ऐसे कैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे इस परिवार का हिस्सा मानने से इनकार कर सकती हो? इस परिवार का हिस्सा ना तो मैं हूँ, भले ही छोटा सा सही, लेकिन हिस्सा तो हूँ मैं। और रिक्की मेरा भाई है यार, he's my friend, और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, because I care for him. तो इसमें गलत क्या है? पलक से मिलने ममता जी और मैं अकेले जाएंगे। विजय जी, मेरे ख्याल से आप खुद उससे मिल लो, मैं उससे मिल चुकी हूँ। फाइन, अगर आप सबने डिसाइड कर ही लिया है कि ये पलक इस घर का हिस्सा बनेगी, तो लेट्स जस्ट हैव अ साइन अ प्रिनअप। व्हाट? या मैम, व्हाट्स द हार्म? तुम अपने ये बिजार आइडियाज अपने पास रखो। यार इतने झगड़े हो रहे हैं, आई थिंक पलक से बात करके उसे प्रिनअप साइन करवा लेना चाहिए। नो, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई मीन, ये इन दोनों के बीच की बात है, अगर वो लोग डिसाइड करते हैं तो ठीक है, बट हमें तो नहीं करनी चाहिए। हमारी फैमिली में कोई प्रीनब है ही नहीं। जो रिकी का है वो उसकी बीवी का उस पर पूरा हक होता है। Exactly. लड़की अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आएगी और उसका हस्बैंड उससे प्रीनब साइन करवाएगा। I don't have a problem, mom. अगर यहाँ पे सब लोग इतने जजमेंटल हो गए ऑलरेडी, अपने अपने ओपिनियंस लोगों ने फॉर्म कर लिए हैं, देन व्हाई नॉट। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पलक को, उसे मुझसे ये सब नहीं चाहिए। और अगर एक प्रीनप साइन करने से उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता ना, मॉम, आई एम ओके विद इट। सो लेट्स हैव इट वेरी क्लियरली रिटन कि अगर वो मुझे छोड़ के जाएगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। हैप्पी? अरे तुम लोग वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आगे हल्दी वल्दी लगाओ। अरे शगुन है, आओ। अरे कैथरी, मेरी दुल्हन। दूर है। देख यार, आंटियों ने क्या किया है, 10,000 का फेशियल खराब कर दिया ना। अब तू प्लीज हाथ के लगा। हाँ, मैं हाथ पे लगाऊंगी। अच्छा। ओए पलक, तू भी यार। पर तुझे पता है मैं तेरे कितनी खुश हूँ। एंड सो एम आई। ये तो मुझे तो लगा था कुवारी मर जाएगी। अच्छा सुन, मुझे ना विजय अंकल से मिलने जाना है आज 11 बजे, पर मम्मा को नहीं बता सकती यार। ऐसे जाऊंगी तो वो पकड़ लेंगी, और उन्हें पता है मैंने कोई जॉब भी नहीं लिया, और तेरी शादी से इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मैं नहीं चाहती उन्हें एडवांस में कुछ भी पता लगे। तो एक काम करते हैं, मैं मंजीत आंटी को बोलती हूँ कि वो मेरी हल्दी धो देंगी। आई सेंड यू सम। मंजीत आंटी। आंटी वो ना, आप मेरी हल्दी निकाल दो प्लीज। पलक सुन प्लीज, मेरे ब्लाउजेस नहीं आए अभी तक, तू प्लीज जाना जस्ट समझ। अरे वो तो कब का आ गया है, वो मास्टर जी है ना उनका बेटा, वो डिलीवरी कर गया। गॉड, मैं भूल ही गई, पलक मेरे गजरे नहीं आए अभी तक। ठीक है, मेरे अरे कोई जरूरत नहीं है, गजरे आ जाएंगे शाम को, मेरी बात हो गई है फूल वाले से। या पलकू को कहीं बाहर जाना है, ये सब क्या हो रहा है पलकू? मम्मा वो चित्तिक के डैड ने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। तुझे लगता है मैंने सब खराब कर दिया? मेरी गलती थी ना, मैं सिर्फ बात किया करने जा रही हूँ और कुछ नहीं। तो उनसे मिलने वहां तभी जाएगी अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, वरना नहीं जाएगी। आंटी, आंटी एक मिनट, आंटी प्लीज प्लीज बात समझने की कोशिश करो। आंटी अगर पलक वहां पर जा रही है तो आपकी ही साइड क्लियर करने जा रही है। आंटी अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों कोई गलत सोचे? बात सिर्फ ऋत्विक की नहीं है, बात आपकी भी तो है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, आपकी डिग्निटी की है। और आपको लगता है पलक उसके बारे में नहीं सोचेगी? आंटी पलक आपसे बहुत प्यार करती है, आपको पता है ना। तू ऋत्विक से प्यार करती है? अम्मा आपको पता है ऋत्विक भी इतना ट्राई कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए हम लोगों के बीच। अम्मा हमारे रिश्ते में इतनी उलझने हैं ना, इसे सुलझाने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, तो मैं कर लेती हूँ। तुम दोनों का रिश्ता किस हद तक बढ़ चुका है? इतना प्यार करती है तू ऋत्विक से? मम्मा ऋत्विक नहीं होता है ना तो बहुत खालीपन लगता है। ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं कभी खुल के हंस भी नहीं पाऊंगी। अगर ये प्यार है ना तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा।
I really love him. तो फिर जा, चाहे लड़ अपने प्यार की जंग, तुझे पूरा हक है अपने प्यार के लिए लड़ने का, लेकिन एक बात याद रखना पुत्र, तू वहां के लिए नहीं जा रही, तू वहां पर अपने घर की इज्जत और स्वाभिमान लेकर जा रही। एक बार उन लोगों ने तेरी माँ की बेइज्जती की है, अब ये तेरे हाथ में है पुत्र कि वो और बेइज्जती ना कर पाए हमारी। नो मम्मा, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू मम्मा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस अभी सेतु के घर से फ्री हुई हूँ। वो मम्मा को भी पता है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। उन्हें थोड़ा मनाना पड़ा। उन्हें तो मैं मनाऊंगा ना। अच्छा सुनो, मैंने ना मम्मा को सब कुछ बता दिया है। What do you mean, तुमने मम्मा को सब बता दिया? मतलब उन्हें पता है क्या हुआ है हमारे बीच। उन्हें ये भी मालूम है कि उस रात मुंबई में क्या हुआ हमारे बीच? हाँ, जो हुआ हमारे बीच उस रात। पलक, कहीं तुम गिल्टी तो नहीं हो कि यू नो शादी से पहले वी गॉट इंटिमेट? आई मीन हम प्यार करते हैं एक दूसरे का, एंड इट्स ऑल राइट। मुझे भी नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। एग्जैक्टली पलक, आई लव यू। और इस फीलिंग से ज्यादा प्योर कोई फीलिंग नहीं हो सकती, मेरे लिए तो नहीं। आई नो, अब मेरे पास इतनी रोमांटिक लाइंस नहीं है तुम्हारे लिए बोलने के लिए, पर आई थिंक हम डॉक्टर्स पोएटिक होते ही नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊं, एक लड़की के लिए ना किसी से इतना क्लोज होना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब उस लड़के पे बहुत भरोसा करती हो। सिर्फ उस पल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। और वो ट्रस्ट, वो फेथ मुझे तुम पर है ऋत्विक। अच्छा सुनो, जब घर आओगी ना सबसे पहले मुझे मिलो, मुझे फोन कर देना, मैं नीचे गार्डन में होऊंगा। बिफोर यू मीट एनीबडी एल्स, ठीक है? आई विल सी यू, बाय। विकी, तेरी पलक से प्रीनप के बारे में बात हुई क्या? पलक से बात हुई, लेकिन प्रीनप के बारे में कोई बात। आई थिंक फेस टू फेस करना चाहिए, फोन पे थोड़ा सा वियर्ड होता है ना। आ रही है, मैंने उसे बोला है कि सबसे बात करने से पहले मुझसे मिले। I'll explain everything to her. Right. चल, कॉफी पीते हैं। Good morning, everyone. Good morning. Hi, good morning. माता जी, हुण ते मूड ठीक कर लो, मैं कुड़ी नूं मिलन वास्ते तैयार हैगा। The girl won't disappoint you. We should as well find out, won't we? पर मुझे ये प्रीनप पेपर्स आप लोग लेके बैठे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उस लड़की को टेस्ट देना पड़ेगा अपने विकी से शादी करने के लिए। मैं होती ना तो पेपर फाड़ के मुंह पे मार के चली जाती। हाँ, ये प्रीनप वाली बात तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये एक लीगल अग्रीमेंट है जो मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर विकी कोई और लड़की लेकर आता ना, मैंने हाथ पकड़ के उसकी शादी करानी थी। लेकिन पलक को लेकर यहाँ जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है कि हमें उसे परखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये लड़की सही निकली ना, मैंने ये प्रीनप खुद अपने हाथों से फाड़ के फेंक देना है। और उस लड़की को इस घर में इतना प्यार मिलेगा माँ, इतना प्यार मिलेगा कि वो यहाँ पर राज करेगी। साजी, चाय। सुना तुमने, इस घर में मेरे ओपिनियन की कदर नहीं है। ऋषभ, ऐसा नहीं है। ऋषभ सही तो बोल रहे हैं भाई, यार मैं तो फिर भी छोटी हूँ, वो तो बड़े हैं। कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना, किसी को तो सुननी चाहिए। ऋषभ, उस लड़की पलक को एक बार चांस देकर तो देखो यार। बाकी सब इस घर में अंधे हो गए हैं, इसका मतलब मैं भी अंधा हो जाऊं। ऋषभ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की पलक सच में गलत है या तुम उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कहा था तुमने मुझसे?
कि अगर रिकी उस लड़की पलक से शादी करता है तो डैड उसे घर से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम उन दोनों को अलग करना चाहते हो? हाँ? Come on, यार। तुम्हें लगता है कि मेरी इंटेंशन होगी इस घर को तोड़ने की, अपने भाई को तोड़ने की? मेरा छोटा भाई है यार, मैंने उसे दर्द में देखा है। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली, डैड को खुश करने के लिए पलक प्रीनप साइन कर लेती है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। हाँ, लेकिन एक बार शादी हो गई, पलक कब अपने फेवर में घुमा देगी पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज रिकी बहुत भोला है। पलक और उसकी वो चालाक माँ रिकी को यूज कर रहे हैं। हाँ, but baby, nobody seeing this but I am, और मैं अपने भाई के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। आई थिंक तुम्हें पलक को रोकना चाहिए प्रीनप साइन करने से। प्लीज पलक से बात करो और उसे प्रीनप साइन करने से रोको। सेव रिकी। अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। वैसे ही तेरे से कोई कुड़ी पड़ती नहीं है, ऊपर से ऐसी हरकतें करता है। आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू राइट नाउ। यू नो, आपकी लव स्टोरी एकदम सलीम और अनारकली टाइप भी लग रही है। सी, हमारे पूजने पिताजी अकबर साहब, आप हमारे सलीम और बेचारी पलक भाभी अनारकली। लेकिन मेरे भाई, अगर प्यार किया तो डरना क्या? नहीं, मैं बस आपकी स्टोरी को बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तूने डैड की पोनीटेल को ज्यादा सीरियसली ले लिया। हो सकता है बस मेरी स्टोरी की एंडिंग वैसी ना हो। हैं, कहाँ रहेगी पलक? डैड, मैंने खुद सुना है रिकी और पलक का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बेटा, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द बिग डील इज। दे बोथ आर एडल्ट्स और रिकी को तो तुम जानते ही हो, वो शुरू से ही ऐसा। मुझे पलक को मिलकर ही डिसाइड करना होगा। हाँ, सो डैड, आई एम ऑल्सो नॉट बींग जजमेंटल, आई एम जस्ट सेइंग दैट रिकी वैसे ही पलक में इतना खोया हुआ है और अब ये सब हो रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इफ पलक कम्स एंड सेज कि वो प्रेग्नेंट है, यार तब हम लोग क्या करेंगे? आई डोंट केयर, डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उस दिन मंजीत ने जो कुछ भी कहा वो सच है या नहीं, और सबसे बड़ी बात ये, क्या पलक उनकी बातों से सहमत है या नहीं। दैट्स व्हाई आई हैव टू मीट। या मैं भी इतनी देर से यही कह रहा हूँ कि हाँ, आपको मिलना चाहिए उससे, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, इस वक्त पलक बात घुमा सकती है अपनी और अपनी माँ की फेवर में, इसीलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा कॉशियस होते, उसको प्रीनप साइन करने दो, फिर मिलना उससे। और वैसे भी अगर उसने प्रीनप साइन करने से ही मना कर दिया तो मिलेगा क्या फायदा? ठीक है, तुम रिकी को बुलाओ, डॉक्टर। अनन्या, तुमने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है ना, इट्स कमेंडेबल। पता है आंटी, मैं इसी वजह से यहाँ पे आई हूँ कि आप सब ना गिल्टी फील ना करो। और एक बात बता, नून सर पुलिस के बीच तो दोस्ती है ना, वो कभी खराब नहीं होगी। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। You've always been my darling little girl. I am. मैं आपकी डार्लिंग हो सकती हूँ, कोई नहीं। तुम क्या कर रही थी? ठीक खड़ी हो, चलना नहीं है? चलो मैं आती हूँ। बाय। चलो मम्मी आ रही है थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो वैसे? क्यों बताऊँ तेरे को? अरे आ रही थी ना। सांची, अलग से बात हुई? अलग से बात तो नहीं हो पाई अभी तो। बेबी, कब बात करूंगी? जब घर टूट जाएगा। शनाया? जी जी भाई। रिकी कहाँ है? वो गार्डन में पलक का वेट कर रहा है। बेबी, तुम गार्डन में जाओ, रिकी वहां पहुंच गया पलक से बात करने के लिए। उसे कहो कि डैड उसे स्टडी में बुला रहे हैं। एंड देन यू टॉक टू पलक, उसे कहो कि वो प्रीनप साइन ना करे। भाई, अब तो आपको ऐप्स डिलीट करने पड़ेंगे ना। कौन से ऐप? स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। वो ब्रो, डिलीट। रिकी, डैड तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। भाव्स, मैं आई एम वेटिंग फॉर पलक। अर्जेंट बात है, जाके कर लो ना एक बार। अच्छा, तो आप फिर यहीं रुको, पलक बस आने वाली होगी, जैसी आएगी उसको मेरे पास भेजना। डोंट वरी। हां, या मैं उससे बात करना चाहता हूं। चलो, और सुन, पलक को मत बताना इन चीजों के बारे में। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ये पुराने कांड है मेरे। हाय पलक। हाय। हेलो रीवा।
ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आई एम नेवर गोना लाइक यू। रीवा, व्हाट रीवा? और तुम बाहर क्यों खड़ी हो? गो इनसाइड, फेस द टेस्ट डार्लिंग। एक सेकंड रीवा, ऋतिक को ही बात करने दे इस बारे में। पलक, अंदर जाओ और ये जंग जीत के आओ, अदरवाइज यू हैव टू आंसर मी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय। हाय, कैसी हो पलक? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो रिकी भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, बट मैंने सोचा कि इससे पहले कोई तुमसे कोई बात करे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पलक। प्लीज बोलिए। आप कह रहे हैं कि उसे मिलने से पहले वो आपका ये स्टूपिड एग्रीमेंट साइन करे? आई एम सॉरी रैग, बट दिस इज साउंडिंग लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू मी। फॉर गॉड्स सेक, वो मेरी होने वाली पत्नी। रिकी, देयर इज अ लॉट एट स्टेक हियर। और यार डैड हमारे लिए सोच रहे हैं, तेरे लिए सोच रहे हैं। चल ठीक, तू इतना तो समझ ले कि अगर पलक आज प्रीनप साइन करती है तो क्लियर हो जाएगा ना कि वो तुझसे प्यार करती है, और अगर प्रीनप साइन नहीं करती है तो हमको क्लियर हो जाएगा यार कि वो तेरे पैसों के पीछे थी, तेरे पीछे नहीं। कर देगी वो साइन, किसी भी प्रीनप पे साइन कर देगी वो। बट दिस इज साउंडिंग रियली ऑड। वो यहाँ डैड से मिलने आई है हमारे घर पे, और उसको मैं बोलूँ कि पहले ये साइन करो, और फिर इज इट लाइक अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? क्यों क्यों डैड, उससे आप बात कीजिए, उससे मिल लीजिए, शी इज अ ह्यूमन बीइंग, डोंट ट्रीट हर लाइक एन एम्प्लॉई। क्लियर कर लो मंजीत आंटी वाली बात को, एंड देन शी विल साइन व्हाटएवर यू वांट टू। डैड प्लीज, वो यहाँ आपसे मिलने आ रही है, एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग लुक्स रियली रिस्पेक्टफुल। घर है ये हमारा। आई नो इट्स वेरी शॉकिंग फॉर यू, पलक आज तुम आज सिर्फ डैड से मिलने नहीं आई हो। देखो पलक, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कॉर्नर्ड जैसे तुम्हारी माँ हो गई थी। पलक, मैं गई थी तुम्हारी मॉम के पास, समझाया था उन्हें, बताया था उन्हें कि सिचुएशन क्या है, उन्हें डैड के सामने जाकर क्या बोलना है, बट तुम्हारी मॉम ने सबके सामने गड़बड़ कर दी। पलक, मैं नहीं चाहती कि वही गलती तुम दोबारा दोहराओ। आज ये लोग तुमसे एक प्रीनप साइन करवाने वाले हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम रिकी को छोड़ देती हो तो उसके घर से, प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट रिकी, उन्हें लगता है कि उन्हें गोल्ड देगा। पलक, मैं जितना तुम्हें समझ पाई हूँ ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो। आई नो दैट। देखो पलक, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखती। मैं इस प्रीनप को साइन करने से पहले 10 बार सोचती। पलक, देखो पलक, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो, प्लीज सोच समझ कर लो। और हाँ, तुम ये बात किसी से मत कहना कि हम दोनों इस तरह से मिले थे और हमारे बीच ये सब बात हुई थी। मुझे नहीं लगता कि मेरी इन बातों का पलक पर ज्यादा असर हुआ है। आखिर क्या करेगी पलक? पेपर्स पर साइन करेगी या? ऋतिक ने मुझे प्रीनप के बारे में क्यों नहीं बताया? पलक, खुश रहो। आओ अंदर आओ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। आप लोग मुझसे प्रीनप पेपर साइन करवाना चाहते हैं? चाची ने बताया मुझे। तुम अंदर आओ, अंदर चल के बात करते। आओ। पलक, ये बात ऋतिक तुमसे खुद करना चाहता था,
साची ने ये बात मुझे किसी गलत मतलब के लिए नहीं बताई। बेटा हम में से कोई तुम्हें डाउट नहीं कर रहा है। देखो ये प्रीना विजय जी चाहते हैं कि तुम साइन करो। देखो बेटा उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है और इस वक्त वो नहीं समझना चाहते। पृथ्वी को लेके वो बहुत पोजेसिव बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एंड देर आर रीजंस फॉर इट। मैं क्या बताऊँगी, नहीं एक्सप्लेन कर सकती। साइन कर दो बेटा। साइन कर दो? नहीं कर सकती मैं प्रीनप से। अब मुझे क्यों प्रूफ करना पड़ रहा है? कैसी शादी है ये? बस समझ लो कि ये कागज का टुकड़ा है बस। कंडीशन है अपने आप को प्रूफ करने का। इसमें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे पेरेंट्स की डिग्री सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और कोई भी रिश्ता किसी भी कंडीशन पर नहीं बन सकता और हमें कुछ नहीं चाहिए ऋत्विक से। ये सिर्फ तुम्हारी और ऋत्विक के बीच की बात नहीं है ना, इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं और फैमिलीज में बहुत लोग होते हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सबको साथ लेके चलना पड़ता है बेटा। तुम्हारा ये एक कदम ना चीज़ों को एकदम स्मूथ कर देगा। बच्चे मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ यही बात एक पेपर में साइन करके देना है। सच पता है तुम बड़े रौब से आओ, पेपर पे साइन करो, पेपर दे मारो, कहो लो ये आपके पेपर्स, ये मैंने कर दिए साइन। ये करने में तुम्हारी जीत है बेटा। You have to take my word for it. It's not easy. It's not. ये पेपर उसे साइन करवा के ले आओ। उसके बाद विल टेक इट फॉरवर्ड। फाइन। कुछ पलक ने? हाँ, कुछ नहीं कहा। जस्ट होप वो पेपर साइन ना करे। सांची, ऋषु, मुझे नहीं लगता पलक पेपर्स पे साइन करेगी। पलक, पलक, तुम चाहते हो कि मैं प्रीनप पेपर्स साइन कर दूं, है ना? तुम्हें प्रीनप के बारे में किसने बताया? साची ने बताया। तुम्हारी मॉम से भी बात हुई मेरी। Listen, it's a little complicated, ऐसा। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। I'm not in this relationship for money. I'll sign the papers. मम्मी जी एक बात बोलूं, रिक्की को ये प्रीनप वाली बात पलक से ना पहले ही कर देनी चाहिए थी। मैंने पलक से बात तो की है, अब पता नहीं है। अब और मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए कर रही हूँ, उस आदमी के लिए जिसको ममता आंटी जैसी माँ ने बड़ा किया है, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो हर हालत में मुझसे प्यार करेगा। मैं उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ विथ यू। पलक, तुम्हें मैं वादा करता हूँ, इस साइन की वजह से ना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि पलक ने ये मेरे लिए किया है और मेरे अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। That's all she wants. और जो ट्रस्ट इश्यूज है ना तुम्हारे लोगों के साथ, उसे तो मुझे जरूर सुधारना है। Yes, ma'am. आप लोग सब यहाँ पे? ये सब नून फैमिली है पुत्र। And I'm sorry, हम लोग गाड़ी के पीछे चुपके आपकी बातें सुन रहे थे। नहीं,
मेरा नहीं शनाया का आइडिया था, शी इज लाइक भाई और भाभी बातें कर रहे हैं तो गॉसिप के लिए फॉर्डर मिल जाएगा। मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, शिवम शाह कुछ भी बोलता है। और आप? नो नो नो, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और फिर एम्बैरेसिंग हो यार आप लोग। मैं ढूंढने निकलती ना तब भी तुम जैसी लाइफ पार्टनर अपने रिकी के लिए नहीं ढूंढ पाती। मैं ये बात जरा पापा जी को बता के आता हूँ। पापा जी, हाँ? पलक ने वो पेपर साइन कर दिए। दैट्स गुड न्यूज बेटा। अब मुझे पलक से और कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, उसका और कोई इम्तिहान नहीं लेना मुझे। कहाँ है वो, मैं उसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। यही है। चलो लेट्स गो। आफ्टर यू। कैसे हो गया यार? पलक इस घर में आएगी और रिकीत, यू आर द हीरो। क्या मुझे अभी भी अंकल को कुछ प्रूफ करना है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो फिर मैं घर के लिए निकलती हूँ। मम्मा पापा को भी तो सब कुछ बताना है। रिकी, तू पलक को घर ले जा और मम्मी से माफी मांग लेना। जा पुत्र। जा। और पलक किधर? भी गई है। ऐसे कैसे, मिली भी नहीं? इतना बड़ा कदम उठाया लड़की ने, माँ बाप से बात करने गई। रिकी सही था ममता जी, मुझसे ही गलती हो गई। तू फाइनली क्या डिसाइड हुआ? अरे पलक ने प्रीनप पेपर साइन कर दिए, सेलिब्रेशन टाइम है यार। यारो, मैं खबर लेता हूँ पट्टे की। जी डैड। अरे माफी मांगनी थी तेरे से यार। डैड आप ये क्या माफी माफी की बातें कर रहे हो? बनता है यार, बनता है। मैंने अपने होने वाली बहू को गलत समझा। मेरा जो रिश्ता है उससे वो है लाड़ दिखाने का। पहले मैं उससे माफी मांगूंगा और फिर लाड़ दिखाऊंगा। बेटी है यार मेरी। पर डैड मैं तो वो हाँ मैंने पता है यार, तू जा रहा है मनजीत के घर माफी मांगण वास्ते। लेकिन देख, मामला इतना बिगड़ चुका है कि अब ये बच्चों की बात नहीं रही, मैं खुद जाऊंगा उनसे माफी मांगने। हाँ ओके डैड। डैड कह रहे हैं कि वो खुद जाएंगे मंजीत आंटी से माफी मांगने। ठीक कह रहे हैं, मैं घर चली जाती हूँ, पहले वो मॉम से बात कर लेंगे। तो मैं फिर तुम्हें घर छोड़ दूँ? ऑलराइट। अंकल हमारे घर में ना सब पलक के चक्कर में अंधे हो गए, बट सीरियसली हमें ये लगता है कि दैट गर्ल इज अप टू समथिंग। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस। मैं तो बस आपके पास आया हूँ, कुछ बताओ आप। वी हैव टू डू समथिंग। एक आइडिया है मेरे पास। रोहित कह रहा था ना कि सेतु चाहती है कि मंजीत और पलक उसकी शादी में आए, कह रहा था ना, आने दो उसे। तो क्या उस मनहूस औरत को घर में बुलाओगे आप? एनी को मैं मना लूंगा, लेकिन मंजीत इस शादी में आनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? बहस मत करो मुझसे। और साची। जी अंकल। बेटा तुम्हें भी एक जरूरी काम करना होगा। पर अंकल पूरा प्लान तो समझाओ। मम्मा कहाँ पे हो आप? मैं यहाँ डेकोरेशन रेडी करवा रही हूँ, तू बता। तो मैं वहीं आती हूँ। तू बता उनसे बात हुई, क्या कहा उन्होंने? सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं वहीं आती हूँ, आपको आके सब कुछ बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तू घर जा, घर पे मुलाकात करते हैं। वो क्या है ना, पहाड़गंज से चड्डा जी भी आए हुए हैं मिठाई लेकर। सगन की भाजी के पैकेट हम दोनों को ही बनाने हैं। जी मम्मा। पर हाँ सुनो, सगन के पैकेट जो है सेतु की शादी में गेस्टों को जाने हैं, तो ध्यान से बनाइयो। ओके मैं कर लूंगी। तुमने एक बार नोटिस किया क्या, हम जब भी मिलते हैं ना बारिश हो। मॉनसून। पापा पे जाना जरूरी था, थोड़ी रोमांटिक भी हो सकती थी ना लाइफ। एनीवे, do you remember जब तुम पहली बार मुंबई से वापस आई थी, बारिश, हमने जब किस किया था, बारिश हुई थी, और उस रात तो आज भी एक तरह से मिलन ही हो रहा है ना। I mean हमारी फैमिलीज मान गए हैं, every time we meet it rains, और हम हमेशा भीगते हैं, तो आज भी भीगना पड़ेगा। नो मैं नहीं भीग रही, जबरदस्ती मैं नहीं भीग रही हूँ।
आई डोंट बिलीव दिस। अब आ जाती हूँ। What? On? तो गीले हो गए यार। वाह यार बाबा जी, नई नई गर्लफ्रेंड बनाई है, मिट्टी पुली। यू नो व्हाट, नाउ आई एम श्योर कि भगवान जो है ना वो मेल है। ये सुंदर लड़की ने विश मांगी नहीं, फिसल गए। नो, गॉड इज अ वुमन, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। उन्हें पता है कि अगर हम बारिश में भीगेंगे तो हमारे जितने सारे काम है वो रुक जाएंगे। तुम भी प्रैक्टिकल, जस्ट लाइक माय मदर। तुम भी हो सेंटी, जस्ट लाइक माय मदर। तो हम एक दूसरे की माओ से शादियां कर लेते। यू नो आई मीन्ट, हम क्वालिटीज देखते हैं ना जैसे अपने पेरेंट्स की एक दूसरे में, वैसे। क्वालिटीज तो तुम में भी बहुत है। सच्ची? या? आप में ढूंढनी पड़ेगी। जो शगुन की थाली ना, इसकी जो चुनरी है एकदम फर्स्ट क्लास गिफ्ट हैम्पर के तरह। लेकिन पैसे ना बिल्कुल चांदनी चौक वाले, एक पैसा ज्यादा नहीं। तू भी ना मांझी। अरे नमस्ते जी। मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, भाजी के पैकेट भी बनाने हैं और पलकू मेरा इंतजार कर रही होगी घर पे। मंजीत जी, अब पास्ट में जो भी हुआ उसे छोड़ो ना। हाँ जी, मैं तो वो ही कर रही हूँ। सेतू को जो पसंद है सब चीज़ का वैसे ही इंतजाम कर रही हूँ, है ना। मैं काम की बात नहीं कर रही, एक मेहमान की तरह इन्वाइट कर रही हूँ। अब जितने ड्रामे होने थे सब हो गए, आप तो बस आइए और अपना आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू आंटी, आई मीन मम्मी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। देखा आंटी, सबकी खुशी रोए तो मेरी खुशी में। अब आपको आना है, आप तो हर पार्टी की रौनक हो, सो यू हैव टू कम। गायत्री जी, मुझे वो आपसे मिलने के बारे में डिस्कस करना है। हमारे यहाँ तो 11 लोग आते हैं, आपके यहाँ से कितने आएंगे? मीरा जी आइए ना, डिस्कस करते। सेतु चल, तू भी चल। मंजीत जी, पलक आई थी हमारे घर पर, डैड ने उससे प्रीनप अग्रीमेंट साइन करवा लिया है। देखिए मंजीत जी, अलग बच्ची है, उसने बिना कुछ सोचे समझे शायद ही डिसीजन ले लिया हो। अलग समझदार है, बड़ी है, अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकती है, उसने सोच समझ के ही किया होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पलक एक समझदार लड़की है, लेकिन आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए। डैड ने इस टाइम क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि आप और आपकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ रिकी के पैसों के पीछे, और इसीलिए रिकी को बचाने के लिए डैड ने ये प्रीनप साइन करवा दिया है। मंजीत जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और फिर रिश्ते तो प्यार और विश्वास की बुनियाद पर बनते हैं। जो रिश्ते शक की बुनियाद पर बने वो रिश्ते टूट जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ एक बार फिर से सोच लें। अच्छे से डालना मिठाइयाँ डब्बे में, मिठाइयाँ टूटी नहीं चाहिए डब्बे में, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो अच्छा ही नहीं। देखिए ये मिठाई टूट भी गई है, आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हैं क्या? प्लीज ध्यान से रखिए, ध्यान से डब्बे। अथिया, अथिया मेरे नाथ। क्या हो गया मम्मा, इतने अच्छे से पैकिंग कराई है मैंने, अब सही तो किया है सब। छोड़ वो सब, तू ये बता कि वहां पर तुझे मैंने अपने घर की इज्जत समेटने के लिए भेजा था और तू साइन करके उनके हाथ में दे आई। क्या मम्मा, क्या जरूरत थी वो एग्रीमेंट पर साइन करने की तुझे? इतनी हाय तौबा मची थी तुझे शादी करने की, कि उन्होंने सबूत मांगा साइन का और तूने साइन करके सबूत दे दिया कि जी हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हम भूखे नहीं है, नहीं है। आपको किसने कहा है? किसी ने भी कहा, साइन तो तूने किया था ना। मम्मा मैं आपको बताने ही तो आई थी, मैंने झुक के साइन नहीं किए, मैंने उल्टा सर उठा के बोला उन्हें कि हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मम्मा ऋतिक के पास में जो भी कुछ हुआ है ना उसकी मॉम के साथ, उससे वो लोग बहुत अफेक्टेड है, उसके पेरेंट्स उसके फैमिली वाले जल्दी से नहीं भरोसा कर पाते, सिर्फ इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और भरोसा दिलाने का ठेका तूने ले रखा है। तुझे पता है ये एग्रीमेंट साइन करके उन्होंने तेरी माँ के मुंह पर तमाचा खींच के मारा है,
तुझे इतनी लोड़ मची है ना शादी करने की, तो कहते उस रिफिक से कि तेरी इज्जत को ध्यान में रखते हुए शादी करे और ये प्री नपचुअल एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दे, उसके बाद तुझसे शादी करे, समझे तू? जी मंजीत जी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मेरी बेटी पागलों की तरह ऋत्विक को प्यार करने लगी है, खुद से आगे बढ़कर पेपर साइन करके आई है, वो पेपर साइन करके उसने अपनी इज्जत उनके हाथ में दे दी है। मंजीत जी, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो एक्चुअली आंटी, मैं एक वकील को जानती हूँ, ऐसे केसेस को हैंडल करना वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो आपको समझा देगा कि इस एग्रीमेंट में क्या रखना है और क्या बाहर निकालना है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार आप उससे बात कर लें। तुम बस वकील का नाम बताओ और उसका नंबर सेंड करो, प्रशांत विरानी नाम है उसका। हेलो, मिस्टर प्रशांत विरानी जी बोल रहा हूँ। जी नमस्ते जी, मुझे आपसे मिलना था, अपॉइंटमेंट चाहिए था। देखिए, मैं ऐसे किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। जी आप जब कहेंगे मैं तब मिलूंगी, घर, ऑफिस, कहीं भी। वो क्या है ना कि मेरी बेटी की शादी ना बहुत बड़े घर में हो रही है, उसी सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ठीक है ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे सेक्रेटरी को फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, है ना? ओके जी। मैं कल वकील से मिल रही हूँ। थैंक यू साची। यार मेरा भी फोन आया, एक मिनट। आपके फोन बज रहे, मैं ही वेला बैठा हूँ यहाँ पे। एक मिनट है, आप उतर। अंकल, मैंने मंजीत जी को कन्विंस कर लिया, वो वकील से मिलने के लिए तैयार हो गई। अच्छी खबर दी तूने, चल मैं बाद में बात करता हूँ बेटा। ओके अंकल। वो कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? ऐसा ही समझ ले यार, ऐसा ही समझ ले। कहाँ हो यार तुम दोनों, अमन ऋत्विक दोनों फोन नहीं उठा रहे हो। ये जिम वाली पुलिस के साथ पिक्चर क्यों तेरी? आई मीन, आर यू स्टिल इन टच विद देम? इज इट इम्पोर्टेंट? पुरानी बातें भूल जाओ ना, आपसे गलती नहीं होती क्या लाइफ में? हम ठीक तो कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स जान, इट्स ऑल गुड। जान देखो, अलग गलत है और हम सही हैं, यू नो दैट ना? एंड यू विल सी, डैड भी देखेंगे कि रिकी हमेशा सही नहीं होता, और मैं हमेशा रिकी के चलते ना पीछे हटाऊंगा एक कदम, लेकिन जो झूठ है वो झूठ है और झूठ के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई वैसे मुझे आपकी शादी पे क्या मिलेगा? एक्सक्यूज मी, तुझे क्यों मिलेगा? सिर्फ उसे नहीं, हम दोनों को चाहिए। हमारे पास आपके खिलाफ हथियार, हथियार, हथियार। वो अल्ताफ राजा, तू भी मेरे अगेंस्ट गैंग अप करेगी इसके साथ मिलके? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तू हाथ मिला पहली बार। भाई दुश्मन बोलती है। हस्बैंड खानी दाद, नेगोशिएशन चल रहा है, चिल मारो। बट नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हमें भाई की स्लैम बुक मिली है। क्या मिली है? एक सेकंड, मेरी स्लैम बुक तेरे पास। दादी स्लैम, इम्पॉसिबल दादी, स्लैम बुक। उस जमाने का सोशल मीडिया। आपको क्या प्राइवेट, अब तो मैंने सबको बता देना है। मोटी पकड़। जब भाई जवान थे दादी तो। वैसे मैं अभी भी बुड्ढा नहीं हुआ, बट उस टाइम लोग अपनी फीलिंग्स 140 वर्ड्स में थोड़ी इस स्लैम बुक में लिखते थे, पूरे के पूरे लव लेटर्स लिख देते थे। एंड यस, ऋत्विक नून ने तो इसमें अपनी दिले तमन्ना लिखी। आप जानते हो क्या है? तो ऋत्विक नून वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट जब वो 10th स्टैंडर्ड थे। कैन यू इमेजिन? ओ भाई, यू सच अ डेस्पो। भाई कहते हुए शर्म आ रही है। ए बुक पास कर। ये तो मिली कहां से ये? नहीं दादी, दादी पकड़ो, सीक्रेट है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था यार। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। बट हुआ क्या? मम्मा बहुत अपसेट है यार, बहुत गुस्सा कर रही है। उन्हें पता लग गया मैंने प्रीनप अग्रीमेंट साइन किया, शी इज सो अपसेट विद मी। क्यों? उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि हमारे बीच में मैटर नहीं करता, पर उन्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली ने सब इसलिए साइन करवाया बिकॉज मम्मी नीचा दिखाना चाहते हैं। आई रियली डोंट केयर सच्ची, पर
मामा को बहुत बुरा लग रहा है, स्पेशली बिकॉज तुम्हारी फैमिली ने पहले भी इतना कुछ उन्हें पैसों को लेके कहा है। बट आई वाज इन द पास्ट यार आंटी, अब क्यों ऐसी की बातें कर रही हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, वो पलक की मॉम बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रही है, उन प्रीनप साइन किया ना उसने। सुनो मैं आता हूँ, मैं आंटी से बात करता हूँ। ओके नहीं रुको रुको रुको, एक मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, कुछ बातें ना बड़ों के बीच में ही ठीक रहती हैं। हेलो पलक जी। सुनो बेटा मेरी बात मानो, आज रात के लिए ना अपने घर की सिचुएशन हैंडल कर दो। कल हम लोग आमने सामने बैठकर बात करेंगे ना, तो गलत फहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है ना? जी ममता बेटा। अच्छा बच्चा। हाँ भाई। क्या हुआ? लो भाई कब जानते हो भाई का ड्रीम था भाई को गायनोकोलॉजिस्ट बनना। ओए क्या कर रहा तू? आई एम नॉट इवन किडिंग। क्या कर रहे हो? सॉरी यार, वो हमारे घर का है नहीं तो इसीलिए। मैं आपके वैसे मुझे पता है तुम्हारे बचपन का सपना था कि तुम्हें गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि तुम औरतों को क्लोजली जानना चाहते थे। तुमने रोहित की स्लैम बुक फिल की और फिर तूने मुझे बताया। It sounds really bad, but I was really young, okay? तो होता है यार। अबे ये सब बातें क्यों बात कर रही है यार? What is wrong with you तू? हाँ, तुम हो ही वैसे उस टाइप के। Excuse me? हाँ, okay? हूँ नहीं। बदल जाता है इंसान। जब तुम्हारी जैसी लड़कियाँ लाइफ में आती हैं ना? हाँ, भाभी ने आपको बदल दिया। That hurts. On a serious note, तुम्हें तो मेरी accomplishments के बारे में मालूम है। फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, क्योंकि वो जो भी था वो तुम्हारा पास्ट था। And I care about the present and future. हमारा आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। It's gonna be quite epic, you know. My mom and dad आएंगे और तुम्हारी मॉम से माफी मांगेंगे। Listen, तुम्हारी मॉम की dignity, self respect हमारी priority है, okay? I know, तुम सब ठीक कर दोगे। I trust you. तो कहना क्या चाहती? अरे उसकी बात तो सुन लो। क्या सुन लो जी? जिस चीज का डर था वही करके आ गई। पहले से प्रीनप एग्रीमेंट साइन करके आ गई है। मम्मा आपने भी तो सेतु की शादी में प्रीनप एग्रीमेंट बनवाया था। हाँ बनवाया था, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि मेरी खुद की बेटी ये काम करे। जिस बात के लिए उन लोगों ने मुझे इतना भला बुरा कहा, जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, वही काम वो लोग खुद कर रहे हैं। और तू तू जाकर वहाँ पर साइन करके भी आ गई। वैसे बेटा तेरी मम्मा ठीक कह रही है। जो लोग अभी से ऐसे कानूनी टोन में बात कर रहे हैं, तो तू क्या बार बार वकीलों के थ्रू परिवार से बात करेगी? तो क्या लेना पापा, मैं और ऋत्विक साथ होना चाहते हैं, और उसके लिए अगर हमें कोई भी अग्रीमेंट पे साइन करना पड़े तो डजंट मैटर। हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं कि एक पेपर पे साइन करने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। आई डोंट माइंड। ऐसे लोग टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, चुप नहीं बैठते। विजय जी का है। हेलो नमस्ते, मैं विजयपत नून बोल रहा हूँ। जी बोलिए। दरअसल मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे हम दोनों की फैमिलीज को बहुत तकलीफ हुई। अगर आप चाहें तो मैं सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले हम सबको मिलना होगा। ऋत्विक और पलक एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये सब बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी जी, हाँ सुन रहा हूँ मैं। आपकी बात सही है, एक बार मिल ही लेते हैं तो फिर बेहतर है। अच्छा अभी रोहित अब आएगा, उतने मिलके गाल कर दें। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। थैंक यू, नमस्कार। आप ही पहले ये शादी नहीं होने देना चाहते थे ना, और अब आप ही। बात को समझो थोड़ा तुम। उन लोगों ने मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए और आप उनसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। और तू फोन खोल कर सुन ले, ये शादी नहीं होगी। ये शादी तभी होगी जब तू उस एग्रीमेंट से बाहर निकलेगी। मम्मा यार आप। और कुछ नहीं सुनना मुझे, एक लफ्ज और नहीं। अरे मंजीत, मंजीत, अरे भाई इतना गुस्सा मत करो भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो ना। क्या ठंडे दिमाग से काम लूं? मेरे दुश्मन से मिलने जा रहे हैं आप। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं उन लोगों से मिलने का, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो, पलक ये उसके दिल का मामला है। आज अगर मैंने मना कर दिया ना तो जिंदगी भर उसे रोष रह जाएगा। अरे भाई हमारी बच्ची है वो। बच्ची है तो बच्ची की तरह रहे, लेकिन यहाँ पर तो सब अपनी मनमानी करने पर लगे हुए।
अरे मंजीत सुनो तो, मंजीत ओए तू फिकर ना कर, मेरी गाल हो गई हो ना दनाल, मैंने सब कुछ संभाल लेना है, तेरे ससुर को तो पटा लूंगा मैं। चलो चलो जी, जल्दी जल्दी आओ नाश्ता करो, पूरी से घर के मेहमानों की तरह जाने, आओ आओ आओ। वो पहली शादी में इतने सियापे हुए थे वहाँ पे, इस बारी उना लोका ने शादी और संगीत एक साथ रखा है। तो बारात कम डांस पार्टी एक साथ कर लेंगे। अरे आप लोगों ने कोई डांस वांस सेट किया है कि नहीं? हाँ, पूरी के बेटे के बारात में सारी और मैं ब्रेक डांसिंग करने वाले हैं। पुराने फंक्शन सब भूल जाएंगे, अब तो डांस भी होगा और ब्रेक भी होगा। तो देखना, हम खड़े होके देखेंगे। बेतू बस कर। अरे यार तू ये नेक्स्ट टाइम हो। भाभी एक सेकंड, मेरे सर पे भी फेर दो, क्या पता इससे पहले मेरी शादी हो जाए। चलो चलो मुझे भी ट्राई करने दो। देखा मैंने कहा था ना, तेरे पहले तो मेरा ही नंबर लगेगा। हाय स्वीटहार्ट। बहुत नर्वस है तुम्हारी स्वीटहार्ट। आज पापा डैड से मिलने वाले हैं, सो वरीड। टेंशन मत लो, हमारी किस्मतें जुड़ चुकी। एक सेकंड। हेलो। ओए एनी, तू लड़की वालों के साइड पे क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं पलक से मिलने आई थी यार। मैंने शाम के संगीत के लिए ना अच्छा सा डांस प्रिपेयर किया था, पर यार अकेले करने में ना आई एम रियली स्कैर्ड। एंड भैया मेरी भाई की शादी है और मुझे ना वो पूरा धमाल चाहिए, एंड फॉर दैट तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और तुम ना तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती। नहीं तुम ना नहीं कह सकती। यार इतनी अच्छी डांसर है, मैंने देखा था ना रीवा के संगीत पे। क्या हो गया है? यार हमारी फैमिली के बीच में इतना कुछ हो चुका है, तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ऑकवर्ड लगेगा। एक सेकंड। हम क्यों सोचे उस बारे में यार? मेरी भाई की शादी है और मैं जेन्युइनली उसके लिए खुश हूँ, और तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम उसके लिए खुश हो। पर हमारी खुशी के बीच किसी दूसरे की कमेंट्री कब से इम्पोर्टेंट होने लग गई यार? लोगों का काम है कुछ कहना, कहने दो उन्हें। यार सीरियसली रिकी, अगर हम नॉर्मल बिहेव करेंगे ना तो बड़े भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि हम खुश है तो वो भी खुश। क्या बोलती है पलक? लॉजिक बुरा नहीं है आने। अगर तुम लोगों को ठीक लगता है तो एक्चुअली लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। गिव मी हाई फाइव। ये वकील साहब, बात ऐसी है कि उन लोगों ने मेरी बेटी से शादी से पहले ही प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन करा लिया है। उन लोगों की ये शर्त थी कि जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होगा वो लोग शादी नहीं होने देंगे, इसलिए मेरी बेटी ने साइन कर दिया। अब मेरी बेटी की कोई इज्जत है या नहीं? कम से कम एग्रीमेंट साइन होने से पहले हमें दिखाते तो, पूछते तो। सर, वैसे एक एग्रीमेंट में एक लूपहोल है, इसमें एक जगह लिखा है कि अगर लड़का लड़की को छोड़ देता है तो लड़की को कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टे उनके फैमिली वाले शादी वगैरह पे जितना भी खर्च करते हैं वो भी लड़की ही देगी, यानी नुकसान की भरपाई लड़की करेगी। और सर आगे लिखते हैं कि अगर लड़की लड़के को छोड़ देती है तो उस कंडीशन में लड़के की फैमिली लड़की के चरित्र के ऊपर उंगली उठा सकती है, उसके चरित्र पर उसकी लॉयल्टी पर इंक्वायरी भी बैठा सकती है। मतलब साफ है सर, अगर लड़का गलती करे तो भी लड़की गलत, और लड़की करे तो भी। ऊपर से फैमिली लड़की के पीछे डिटेक्टिव भी लगा कर रखी है।